फिलहाल सिडनी में आज टीम इंडिया ने सोचा कि आराम किया जाए क्योंकि कल एक कमजोर टीम के खिलाफ मुकाबला है। नहीं, ऐसा नहीं है। टीम इंडिया ने आराम करने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि वो जानते हैं कि तरोताज़ा रहना, फ्रेश रहना और इंजरी से अगर दूर रहना है तो आराम करना बहुत ज़रूरी है। और ये टीम इंडिया का फैसला जो था वो पहले ही ले लिया गया था, नीदरलैंड्स के मैच से पहले ले लिया गया था। कई तरफ ये खबरें चल रही थी कि शायद टीम इंडिया का होटल जो है बहुत दूर है यहाँ स्टेडियम से, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से, लेकिन ऐसा नहीं है, कुल 5 मिनट की दूरी पर है। और जो मेरे दोस्त मुझे देख रहे हैं वो अगर सोच रहे हैं कि कहाँ मैं दिल्ली लोटस टेम्पल के सामने तो नहीं आ गया, नहीं दोस्त, ये लोटस टेम्पल नहीं है और ना ही ये हावड़ा ब्रिज है ना, तो एक ही जगह में दिल्ली और कोलकाता तो नहीं आ सकते। ये हार्बर ब्रिज है और ये ओपेरा हाउस है सिडनी के, दो मशहूर अट्रैक्शन दुनिया भर के जो टूरिस्ट हैं यहाँ आते हैं और फोटो भी खिंचवाते हैं और वो होता है ना, कहते हैं आई वॉज देयर वाली बात होती है कि मैं भी यहाँ पर था। तो ये है सकलकी में फिलहाल मैं हूँ, बहुत ही खूबसूरत, यहाँ की फेरीज भी चल रही होती है, वो खूबसूरती तो आप देख ही रहे हैं। खैर, लेकिन टीम इंडिया की अगर बात करें तो एक जो बहुत बड़ी चिंता थी कि हार्दिक पांड्या फिट है या नहीं है, उस पर एक खास रिपोर्ट तो हम दिखाई रहे हैं। हार्दिक पांड्या पर जो भी शक की जो सुई जो थी उन पर वो हट गई है क्योंकि पारस मांबरे ने कह दिया कि वो पूरी तरीके से फिट हैं और खेलने के लिए तैयार हैं और बहुत अहम खिलाड़ी भी हैं टीम के और वो चाहते भी हैं खेलना। लेकिन अच्छा ही होगा कि अगर हार्दिक पांड्या को थोड़ा आराम दे दिया जाए क्योंकि वो बहुत अहम खिलाड़ी हैं, हम सबको मालूम है। और हमने देखा था कि मेलबर्न में जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच हुआ था तब उनको जो फिजियोस थे 2 बार मैदान में आए और उनके बैक में मसाज भी दिया। फिलहाल अगर टीम इंडिया की बात करें तो कल उन्होंने प्रैक्टिस की थी, जैसा कि मैंने आपको बता चुका था, आज आराम का दिन था और पूरे पेस बॉलिंग यूनिट जिसने प्रैक्टिस की थी, जिसने मैच खेला था उसको आराम दिया गया, प्रैक्टिस करने के लिए उन्हें नहीं बुलाया गया, स्टैंड बाई गेंदबाजों को बुलाया गया। तो ये टीम इंडिया की रणनीति थी, स्ट्रैटेजी थी। और जो टीम इंडिया की बातें और जो बॉडी लैंग्वेज हम देख रहे हैं कि जो मुकाबला नीदरलैंड के खिलाफ होने वाला है, ऑल आउट जाएंगे इसमें और वो चाहेंगे कि हर हाल में इस मैच में बड़ी जीत दर्ज की जाए, छोटी जीत नहीं, जीत तो मिलनी है नीदरलैंड्स के खिलाफ लेकिन बड़ी जीत ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिससे कि आपका नेट रन रेट और आपका जो मोरल है वो बहुत हाई रहे, कोई आपके आसपास आ ही ना पाए। समीप राजगुरु, सिडनी, इंडिया टीम।